अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है लुबना एंड वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय लुबना घड़ाई। आज हम बनाने वाले हैं चिकन शेजवान फ्राइड राइस। मैं बहुत दिनों बाद रेसिपी अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हमें चाहिए 1 किलो सेला राइस। हम यहाँ पर बासमती राइस यूज़ नहीं करेंगे, हम सेला राइस यूज़ करेंगे, क्योंकि बासमती जो होता है वो बहुत फ्रेजाइल होता है, टूट जाता है। सेला जो होता है वो थोड़ा स्टबर्न होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पानी ले रहे हैं, उसमें हम डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही हम डालेंगे चावल के हिसाब से। फिर उसमें हम डाल रहे हैं स्टार अनीस, बादियान फूल। फिर हम डालेंगे इसमें जो हमारा सोक्ड राइस है, उसको हम इसमें डाल देंगे। चावल को हमने सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट के लिए सोक किया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच ऑयल। इसको अच्छी तरह से हम कुक होने देंगे। कुक हमें इतना करना है कि ये 80% कुक होना चाहिए, पूरा 100% कुक नहीं करना है। देखिए इस तरह से थोड़ा कच्चा पक्का रहना चाहिए। फिर हमने इसको ड्रेन कर लिया है एक छन्नी में, और अब हम इसको ठंडा होने के लिए साइड पे छोड़ देंगे। प्रेफरेबली इसको हम 2 से 3 घंटे पहले बना लेंगे, ताकि जो राइस है वो अच्छी तरह से अपना शेप होल्ड कर ले और वो जब बनाने के टाइम वो टूटे ना। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 किलो बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन को मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है छोटे छोटे। चिकन को मैं डाल दूँगी अपने पैन में। पैन में डालने के बाद मैं डाल रही हूँ पानी। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये है 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। सॉल्ट डालूँगी मैं थोड़ा सा। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें ऑरेंज रेड कलर। कलर ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर कलर से लुक अच्छा आता है चाइनीज़ में, इसलिए मैं डाल रही हूँ, पर आपकी मर्ज़ी है। बहुत से लोग इसमें फ्राइड चिकन भी डालते हैं, पर मैं इसमें फ्राई करके नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि फ्राई करने के बाद वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है और मुझे थोड़ा अच्छा सा मसाले वाला और मॉइस्ट चिकन चाहिए था, इसलिए मैं इसको फ्राई नहीं कर रही हूँ। हम इसको इस तरह से करेंगे ताकि थोड़ा डिफरेंट और अच्छा फ्लेवर आए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, और इसको मैं मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद देखिए हमें इसे इस तरह से थोड़ा ड्राई होने देना है, जो पानी है वो बिल्कुल सूख जाना चाहिए। जब ये इस कंसिस्टेंसी पे आए तो इसे हिलाते रहिएगा, ताकि जो मसाला है वो स्टिक ना हो जाए। और हमें कुछ इस तरह का चिकन चाहिए, और ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको बंद करके साइड पे रख दूँगी। यहाँ पर मेरे पास है स्प्रिंग अनियंस का जो हेड है ऊपर वाला, उसको मैंने लंबा लंबा ऐसे पतला पतला सा कट कर लिया है। फिर यहाँ पर मेरे पास है थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स, इसको मैंने काट लिया है। फिर यहाँ पर मेरे पास है 2 कैरेट्स मैंने लिए, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया है। यहाँ पर है मेरे पास हरी प्याज के पत्ते। फिर मैंने यहाँ पर ली है 3 शिमला मिर्च, उसको भी मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। और यहाँ पर मेरे पास है गोभी, पत्ता गोभी, उसको भी मैंने कट कर लिया। ये सारी वेजिटेबल्स हमें चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक वॉक ले रही हूँ। वॉक के अंदर मैं डाल रही हूँ 5 से 6 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं डाल दूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन क्रश्ड या चॉप्ड, व्हाटएवर। इसको मैं अच्छी तरह से कुक करूँगी जब तक उसका हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट ना हो जाए। तो देखिए कलर चेंज हो गया। अब मैंने इसमें डाल दी है 2 से 3 हरी मिर्चें, उसको स्लिट करके बीच में से। अब मैं इसमें डालूँगी हमारा जो स्प्रिंग अनियंस का जो हेड था, हरी प्याज का जो ऊपर का पोर्शन, वो मैंने डाल दिया इसमें। इसको भी मिक्स करना है हमको। अब मैं इसमें डालूँगी फ्रेंच बीन्स। फिर हम इसमें ऐड करेंगे गाजर, और ये गया हमारा कैबेज, और फिर लास्टली हम डालेंगे इसमें हमारा कैप्सिकम। ये सब डाल के हमें इसको स्टर फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा देर के लिए कुक नहीं करना है, वेजिटेबल्स को सॉगी नहीं होने देना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है, बस थोड़ा सा रॉनेस इसका हटाने के लिए। ज़्यादा इसको नरम नहीं करना है, वेजिटेबल्स का कलर भी लूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, फिर जाएगा 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस। फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 चम्मच शेजवान सॉस। ये होममेड है, अगर आप चाहे तो रेडीमेड भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। देखिए मैं जो चावल है उसको 2 बैचेज़ में बना रही हूँ, पूरा चावल मैं एक साथ नहीं बना रही हूँ, इसलिए वेजिटेबल्स भी है जो मैंने आपको दिखाई थी उसका मैंने हाफ क्वान्टिटी अभी यूज़ की है। पूरा एक साथ बनाना पॉसिबल नहीं होता और वो टूट भी जाता है, इसीलिए मैंने अलग अलग 2 बैचेज़ में बना रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने कलर डाला, फिर उसके बाद मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो, ये ऑप्शनल है।
इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और अब मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑयल हल्का सा कम लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे हमारा चिकन। चिकन भी मैं हाफ़ ही डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसको दो बैचेस में बना रही हूँ, एज़ मैंने आपको पहले ही बताया। तो देखिए हमने ये डाल दिया है, हमारा मसाला एकदम रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बॉइल्ड चावल। तो देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी एकदम चिपकू चिपकू चावल नहीं होने चाहिए, ऐसे ही खुले खुले राइस होने चाहिए। अगर आप 80% कुक करोगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच सोया सॉस, फिर हम डालेंगे एक चम्मच विनेगर। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और देखिए ट्रिक बस यही है कि जो हमारा जो राइस है बॉयल होने के बाद वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाना चाहिए। अगर हम इसमें गरम चावल डाल के मिक्स करेंगे तो चांसेस है कि वो टूट जाए, पर अगर वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया रहेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। पर इसको जब हम मिक्स करेंगे तो बहुत ही हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। देखिए जैसे मैं नीचे से चम्मच डाल रही हूँ और सिर्फ उसे फ्लिप कर रही हूँ, बहुत ज़ोर से नहीं घुमा रही हूँ। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी फूड कलर, और फिर हम इसमें लास्टली ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन के पत्ते, हरी प्याज के पत्ते, और इसको हम लास्ट टाइम इसको एक बार स्टर कर देंगे। अब देखिए मैं कोई चाइनीज़ वाला भैया तो हूँ नहीं कि मैं इसे ऐसे उड़ा उड़ा के बनाऊं, और वैसे भी मेरा वॉक बहुत हैवी है तो मुझसे ये उड़ता नहीं है। अगर हाँ आपको अच्छी तरह से टॉस करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको टॉस कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप मेरी तरह इसको ऐसे नीचे से अच्छे अच्छे आराम से इसको आप फ्लिप कर सकते हैं, बिल्कुल भी राइस टूटेगा नहीं, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। तो देखिए हमारा जो राइस है वो बिल्कुल रेडी है, तो चले हम जल्दी जल्दी से उसको सर्व कर देते हैं। तो देखा आपने हमारा जो राइस की रेसिपी है बहुत सिंपल थी, बहुत इजी थी, और बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। सिर्फ इसके प्रेपरेशन में टाइम लगता है जो कटिंग चॉपिंग है उसमें, बाकी बनाने में तो बस 5 मिनट लगते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये रेसिपी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आगे आने वाली है बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़। और मैं मिलूंगी आपको अपनी अगली रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।